मतलब नतीजा निकालते हैं अपनी मुताले के ऊपर जो हम देख रहे होते हैं समझ रहे होते हैं उसकी बेसिस पर हम कोई नतीजा निकालते हैं अब मिसाल दी हुई और से सुने मिसाल को वी ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज हम किसी कुछ ट्रीज का जो है ना वो जायजा लेते हैं कुछ ट्रीज का दरख्तों का जायजा लेते हैं एंड फाइंड दैट देर लीव्स आर ग्रीन और हमें ये पता चलता है कि उनके जो पत्ते हैं वो क्या हैं जवाब मेरा साथ दे स्पीकर खुला रखें सब लोग स्पीकर खुला रखें और जल्दी जल्दी जवाब दें खदीजा वो क्या हम महसूस करते हैं कि जो उसके पत्ते हैं वो क्या है ग्रीन है हरे है हैं। ग्रीन है सही है अब सब लोग अटेंटिव रहे या अपना खुला रखो स्पीकर और मुझे फॉरन जवाब चाहिए जवाब खुला रखें सारे लोग म्यूट ना करें जब तक पीछे शोर नहीं हो रहा। so इससे हम नतीजा क्या निकालते हैं कि जो पत्ते हैं ना सारे दरख्तों के वो सारे के सारे क्या है हरे हैं हमने पूरी दुनिया के हमने पूरी दुनिया के सारे दरख्तों के सारे पत्ते तो नहीं देखे ना लेकिन हमने आपस में बात ना करें इधर तवज्जो दे लें सही है अच्छा लीव ऑफ ऑल ट्रीज आर ग्रीन जो जितने भी पत्ते हैं तमाम दरख्तों के सारे हरे हैं हमने ऑब्जर्व किया उससे हमने नतीजा निकाल दिया सही है दूसरी मिसाल क्या है वी टेक अ ट्राइंगल हम एक ट्राइंगल लेते हैं एंड मेजर इट्स एंगल्स और उसके हम एंगल्स को नापते हैं मेजर करते हैं वी टेक अनदर ट्राइंगल फिर खदीजा हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं फिर उसकी भी हम एंगल्स को मेजर करते हैं सही है

मेजर्स ऑफ एंगल्स यानी तमाम जो एंगल्स हैं उनका उनकी जो सम है हर केस में इन ईच केस कम कम्स टू 180 डिग्री वो कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है सही है फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट सो इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं अच्छा भाई 80 तो अब हमने एक ट्राइंगल लिया उसको चेक किया उसके सारे एंगल निकाले जमा किया फिर दूसरा ट्राइंगल लिया उसके सारे एंगल निकाले उन सबको जमा कर दिया फिर तीसरा एंगल ट्राइंगल लिया उसके तीनों एंगल निकाले उन सबको जमा किया तो फिर हमें पता क्या चला कि सम ऑफ मेजर एंगल्स, यानी कि हर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 आ रहा है ये हमने नतीजा निकाला क्या निकाला कंक्लूजन कंक्लूड किया हमने क्या किया ईसा क्या किया कंक्लूड किया इसको क्या कहते हैं ये जो नीचे लिखा है ये है कंक्लूजन ये हमारा नतीजा है आफ्टर हमारी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुताल्ला करना जायजा लेना उसका करीब से उसको समझना जायजा लेना वो करने के बाद हम नतीजे पर पहुंचे कंक्लूड किया हमने सही है अब ये दो मिसालें तो सामने आ गई हैं आपकी सही है सच अ मैथड ऑफ अराइविंग एट अ जनरल रिजल्ट जनरल का मतलब आम रिजल्ट है ये आम क्या है मतलब पत्ते दस दरख्तों के देखे अब समझ गए पत्ते हरे होते हैं तो ये जनरल रिजल्ट है इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग क्या कहते हैं इसको जवाब इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग जवाब ये समझ में आ रहा है जवाब ये पूरा समझ में आ गया तक तक जो मैंने समझाया अभी तो नहीं है ना हाउ एवर जबकि देर आर सर्टन प्रिकॉशन प्रिकॉशन कहते हैं एहतियात को कुछ एहतियात हमें करने पड़ते हैं देट शुड बी कैप्टन व्यू जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए नजर में रखना चाहिए व्यू का मतलब नजर में रखना चाहिए उसके अलावा फिर अगर ऐसा हम ये वाले एहतियात नहीं करेंगे तो हम गलत नतीजों पर भी पहुंच सकते हैं सही है वो प्रिकॉशंस क्या है प्रिकॉशंस कहते हैं एहतियात को एहतियात तो वो एहतियात क्या है द नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स टू बी ऑब्जर्व फॉर जनरलाइजेशन शुड बी सफिशेंट इन नंबर नंबर ऑफ यानी जो एक देखा हो और वो लाल पत्ते तो उसी के आपने सारे पत्ते लाल कुछ दर ऐसे भी होते हैं पत्ते लाल होते हैं तो यहाँ ये कह रहे हैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यानी आपने जो मिसालें ली हैं वो ये ना हो कि एक ही मिसाल देख के सब पे लागू कर दिया जैसे अक्सर नहीं होता औरतें करती है पन्ना एक देख लिया इस तरह किया एक दफा उससे कुछ गलती कर दी बोला हमेशा ऐसे ही करते हो मिसाल लेनी चाहिए ना बहुत सारी तो हमेशा का नहीं बोलना चाहिए या हर, किसी के ऊपर नहीं ठोक देना चाहिए एक ही मिसाल को ना अब जैसे एक दरख्त मैंने देखा उसके पत्ते लाल थे तो मैं ये नहीं कह सकता वहीं खड़े होकर सारे दरख्त के पत्ते लाल हैं सही है तो ये कह रहे हैं कि शुड बी सफिशंट नंबर यानी सफिशंट मतलब इतने काफी हो इतनी तादाद हो काफी तादाद हो जिससे हम आम जनरलाइजेशन कर सकें जनरलाइजेशन का मतलब है कि हर किसी के ऊपर लागू करना है। सही है। examples to be considered should be comprehensive in nature. जो मिसालें हम ले रहे हैं वो कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए मतलब वो इतनी वसी होनी चाहिए कि हर किसी के ऊपर लागू हो सके ये ना हो कि मैं किसी एक की मिसाल उठा के हर किसी पर लगा दूं सही है कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऐसी होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर रही हो वो मिसाल सही है इन स्पाइट ऑफ ऑल दीस प्रिकॉशंस यानी कि इन स्पाइट कहते हैं इनके बावजूद इन तमाम एहतियातों के वन कैन नॉट बी श्योर कोई भी जो है ना पूरी तरह शोर नहीं हो सकता ऑफ द रिजल्ट्स अराइव्ड एट इंडक्टिवली जो उससे नतीजे निकाले हैं ना इंडक्टिवली सही है दैट इज वाई अब जैसे न्यूज कास्टर है वो जाते हैं सड़क के ऊपर चार आदमियों से उन्होंने बयान लिया आपकी क्या राय है आपकी क्या राय आपकी क्या राय बता दिया लोगों की राय ऐसे तो नहीं हो सकता ना लोग तो बहुत सारे हैं तो ये वो क्या कर रहे हैं सहाफी क्या कर रहे होते हैं इंटरव्यू ले रहे होते हैं सड़क पे जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं वो यही कर रहे होते हैं इंडक्टिव कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं इंडक्टिव मैथड यूज कर रहे होते हैं सही है दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्पेशली जियोमेट्री आर्ट As so, yeah. तरीका यूज नहीं करते में और दीगर जो ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की सारी नहीं इसने लिखा है मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द का मतलब ये है कि सारी नहीं ज्यादातर मैथमेटिक्स की ब्रांचेज है शाखे है स्पेशली जिसकी अभी हम बात करें जोमेट्री की

पर्टिकुलर कोई खास वाला नतीजा ले लेते हैं डिड्यूस करते हैं सही है फॉर एग्जाम्पल एज वी नो दैट ऑल मैन दे मोर्टल कहते हैं कि मोर्टल उस चीज को कहते हैं जो मर जाए कभी ना कभी कि जितने भी इंसान है ऑल मैन जितने भी इंसान है वो सारे के सारे मोर्टल है मोर्टल का मतलब मर जाएंगे एक दिन हर वक्त जिंदा नहीं रहेंगे अल्लाह जो है मोर्टल है इसके पीछे लगा देते हैं एम तो ये बन जाता है लाफानी फानी और लाफानी अल्लाह की जात लाफानी है बाकी सब फानी है ना तो ये फानी है इंसान फानी है अब इस फैक्ट से ये जो ऊपर हकीकत लिखी हुई है ये जो हकीकत लिखी हमने देखा आज तक कोई भी ये ऐसा नहीं है जो हमेशा जिंदा रहा सिवाय अल्लाह के सही है सो वी मे डिड्यूस हम ये नतीजा निकाल सकते हैं अबाउट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स यानी खास लोगों के हवाले से कि सलीम इज अ मैन सलीम एक आदमी है तो सलीम भी मॉडल हो गया क्योंकि सारे मैन मॉडल हैं तो सलीम भी मॉडल हो गया अब करीम भी आदमी है तो करीम भी मॉडल हो गया सही है अब्दुल करीम भी मोर्टल हो गया अब सिमिलरली वी नो दैट इसी तरह हम जानते हैं कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री के ये जुमला याद कर लें भाई सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री के ट्रायंगल के तमाम एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है फ्रॉम दिस फैक्ट सो इस हकीकत से

डिडक्टिव मैथडेज मीनिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम जनरल अब डिडक्टिव का ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही हम किसी स्टेटमेंट या किसी जुमले पर आए या किसी बयान के ऊपर आए uh, किसी जनरल स्टेटमेंट के जरिए एंड एलिमेंट ऑफ सर्टिनिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन डिडक्टिव मैथड ये जो जुमला है बहुत अहम है एलिमेंट ऑफ सर्टिनिटी मतलब यकीन का जो एलिमेंट है ना यकीन का जो अंसर है वो हमेशा मौजूद होता है डिडक्टिव मेथड के अंदर यकीन होता है उसके अंदर शक नहीं होता यकीन होता है इन दिस मेथड इस तरीके में वी एक्सेप्ट अ स्टेटमेंट ड्राइव फ्रॉम अदर स्टेटमेंट्स हम कबूल करते हैं स्टेटमेंट यानी के बयान जो निकाला जाए ड्राइव फ्रॉम मतलब निकाला जाए फ्रॉम अदर स्टेटमेंट्स दूसरी स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रीवियसली एक्सेप्टेड और प्रूव्ड जो पहले से कबूल हो चुकी हैं या साबित हो चुकी है कि हम सबूत सबूत लेकर लेकर कहते हैं। जैसा कि inductive method ना कि में ना भाई मैंने वहां भी दरख्त देखा हरे थे मैं ऑस्ट्रेलिया में देखा हरे थे सऊदिया में, में देखा हरे थे सही है तो इसके अंदर क्या नाम है इंडक्टिव मैथड जो है ना इसमें जिस तरह होता है इसके अंदर एक्सटर्नल

कुछ स्टेटमेंट्स जो है कबूल होती है बगैर सबूत के बगैर प्रूफ के दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल एग्रीमेंट क्या कहते हैं जवाब इनको फंडामेंटल एग्रीमेंट्स सो दीज स्टेटमेंट डिटर्मिन दिक्स विच वी वॉन्ट टू एसोसिएट विद द अनडिफाइंड टर्म्स सो ये जो स्टेटमेंट्स हैं बयानात हैं ये पता चलाती हैं

सेल्फ एविडेंट कहते हैं कि जो अपने आप को खुद साफ जाहिर कर रही हो ऐसे सच्चाईया नहीं है वो फ्रॉम दीज एजनशन डेवलप अट्रक्चर यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग अच्छा फंडामेंटल एग्रीमेंट्स आर ऑफ टू टाइप एग्जियम्स एंड पॉस्टुलेट्स बोले क्या क्या टाइप्स है फंडामेंटल एग्रीमेंट्स की या एग्जियम्स पॉस्टूलेट पॉस्टूलेट कौन ड्रॉप आउट हुआ है जवाद या उसामा। are those fundamental agreements which are related to numbers. जो होते हैं वो वो बुनियादी एग्रीमेंट्स होते हैं जो नंबर से रिलेटेड हो एवरी नंबर इज इक्वल टू इट सेल्फ यानी टू जो है ना वो टू के बराबर है टू टू के बराबर है तो है ही ये तो कोई मतलब इसमें तो कोई एतराज वाली बात नहीं है If same, if same एड number, number कर दिया जाए तो उसका जवाब भी इक्वली आएगा प्लस का पॉस्टूलेट आर दोज फंडामेंटल एग्रीमेंट्स विच आर रिलेटेड टू जियोमेट्रिकल फिगर्स अब नंबर की बात हो तो एक्सियम्स होंगे फंडामेंटल एग्रीमेंट और अगर पॉस्टुलेट और अगर ज्योमेट्री की बात हो तो वो पॉस्टुलेट क्या लाएगा वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंग पॉइंट अब जैसे एक पॉइंट यहां पर है एक पॉइंट यहाँ पर है तो अब ऐसा नहीं हो सकता वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंग पॉइंट्स तो इन दोनों के दरमियान से एक की लाइन गुजरेगी सही है दो डिफरेंट पॉइंट है तो एक ही लाइन से वो कनेक्ट हो सकते हैं सही है With the help of undefined terms and fundamental agreements, that is postulates, other concepts are developed and terms are defined which we call defined terms. For example, अब जो आगे terms आ रही हैं, इनके जरिए जो line, point, ये सब बस हमने बोल दिया वह ये line है, ये point है, है, बस ये point है। कोई definition नहीं है, बस ये point है। ये जो है ना, ये point ये है, बस ये बोलती है। ये undefined है।

Undefined terms, with the help of undefined terms, jo bhi undefined terms humne padhi वो postulates and defined terms, in sab ko mila liya undefined terms, postulates or defined terms, other statements are developed, और statements banayi jati hain और उनमें से prove निकाले जाते हैं, deduce किये जाते हैं, उन statements को या तो propositions कहा जाता है, propositions या theorems कहा जाते हैं। If two sides of a triangle have congruent angles opposite to them, these sides are also congruent. अगर दो साइड जो है ट्राइंगल की हैव कॉन्ग्रोएंट एंगल उनके एंगल जो है कॉन्ग्रोएंट है ऑपोजिट टू देम दी साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रोएंट तो जो अगर एंगल कॉन्ग्रोएंट है तो उनकी ऑपोजिट साइड भी कॉन्ग्रोएंट होंगी सही है यहां तक समझ में आ गया तो बेसिक कॉन्सेप्ट वी शैल नाउ डिस्कस सम ऑफ द बेसिक टर्म्स एंड रिलेटेड

undefined terms as stated earlier we assume the terms point line plane space without any definition point will be named अब यहाँ आगे जो बात करने वाले हैं इसमें पॉइंट का नाम जो बताया जाएगा वो a b c के जरिए बताया जाएगा p q r p1 p2 इस तरह पॉइंट बताया जाएगा lines बताई जाएंगी a b c l m n l1 l2 m l3 etc planes बताए जाएंगे इस तरह स्मॉल p q r से ये p q r कैपिटल होगा तो पॉइंट है सही है PQR, P1, P2, P3. सही है इस तरह बताए जाएंगे और क्या तो ग्रीक लेटर यूज करेंगे अल्फा बीटा गामा सही है ये गामा है ये बीटा है अल्फा है, सही है? अब यहाँ क्या बात हो रही है P बिलोंग्स टू एल विच पॉइंट P लाइज ऑन L और L पासिस थ्रू पॉइंट P. L जो है वो लाइन है ये ये जो साइन है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू क्या कहते हैं जवाब बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुक रखता है जो है है ताल्लुक रखता L से। इसी तरह सिमिलरली L, L, L बिलोंग्स टू किया था ना कि हम प्लेन को या तो अल्फा गामा से भी डिफाइन कर देंगे तो इसने बताया कि लाइन जो है ना वो इस प्लेन पर है एल बिलोंग्स टू एल्फा विल मीन लाइन एल लाइज ऑन लाइज मतलब पड़ी है प्लेन अल्फा के ऊपर और एल्फा थ्रू लाइन एल ज्योमेट्रिकल फिगर्स विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू देर पिक्चर्स अब ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो भी है जैसे सर्कल ज्योमेट्रिकल फिगर है रेक्टेंगल ट्राइंगल स्क्वायर ये सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स है

पॉइंट जो है ना वो लाइन का सबसेट है मतलब लाइन के अंदर बहुत सारे बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स पॉइंट है सही है लाइन इज सबसेट ऑफ अ प्लेन अब लाइन जो है प्लेन जो है प्लेन एक एक प्लेन है इसके अंदर बहुत सारी बहुत सारी लाइन है सही है इधर सबसेट ऑफ अ लाइन सही है और फिर प्लेन जो है वो सबसेट ऑफ अ स्पेस है स्पेस वो जो हम थ्री के अंदर अपनी जिंदगी में हकी जिंदगी में नहीं देख रहे Uh, चारों तरफ मतलब स्पेस है जगह है जिसमें हम हाथ पैर हिला रहे हैं। तो ये जो है, बहुत सारे और प्लेन का, well. तो का, uh, मतलब का भी एक जूज है सबसेट ऑफ अ स्पेस लाइन जो है वो बहुत सारी लाइन जमा करते हैं स्पेस के अंदर तो स्पेस पूरा भर जाएगा ना तो वो लाइन जो है ना वो स्पेस का भी जूज है पॉइंट हैज नो डायमेंशन लाइन हैज वन डायमेंशन पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती कोई रुख नहीं होता सही है लाइन जो होता है उसकी एक डायरेक्शन एक डायमेंशन होती है कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रही है पॉइंट के कुछ भी नहीं होती डायमेंशन सही है प्लेन जो होता है हैज हैज टू लेंथ एंड ब्रेथ स्पेस थ्री डायमेंशन अब जैसे कोई डब्बा ले, ले लें आप रियल में तो वो थ्री डायमेंशन में है तीन है उसमें एक्स वाई जेड सही है जैसे आप डब्बा ले लेते हैं ना जा, जाहिर उसको पेपर पे ऐसे करते हैं यू टेढ़ा करके यूं बनाते हैं सही है यूं बनाते हैं तो ये असल में अंदर गहराई तो नहीं है ना इस डब्बे की ये तो बना हुआ तो पेपर के ऊपर ये पीछे से देखें तो निकल थोड़ी रहा डब्बा तो अगर आप असल में डब्बा लें तो उसकी चौड़ाई मोटाई और लंबाई तीनों चीजें होंगी सही है को पॉइंट्स ये लफ्ज पढ़े क्या लिखा है खदीजा को पॉइंट्स पढ़े

बेटा ये एक नहीं बता रहे ना ये तो आपको बता रहा है यहाँ पे पेपर के दरमियान में और ये है पेपर के कोने पर तो ये तो डिफरेंट लोकेशन हो गई ना अलग अलग लोकेशन हो गई यहाँ पे क्या जी कह रहे हैं कि अगर ये सेम लोकेशन बताए सेम तो होंगे ये कोंसिडेंट पॉइंट तो ईसा ये सेम तो नहीं बता रहे तो क्या ये कोंसिडेंट है या नहीं है ईसा आप बताएं ये दोनों कॉन्सिडेंट हैं या नहीं है, P Q? ये, अगर P है ये वाला क्यू है तो ये ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉन्सिडेंट है या नहीं है बेटा uh... yeah. अगर नहीं है ना बेटा ये सेम लोकेशन नहीं।, नहीं है अगर सेम लोकेशन होती तो कोसिडेंट होता सही है कब होंगे ये सेम जब ये यही पीओ और क्यू भी इसी के ऊपर ही हो यही क्यू भी हो ये एक ही एक ही जगह पे हो ना जवाब तो ये क्या कहलाएंगे जवाद बेटा बहस ही कर जवाद ये क्या कहलाएंगे अगर एक के ऊपर एक आ जाए तो कोसिडेंट पॉइंट शाबाश सही है अब कोइंट लाइन्स कौन सी होती है टू एंड रिप्रेजेंट द सेम लाइन लाइन अब एक ये है और एक लाइन ये है ये इसके ऊपर नहीं बैठी हुई जब ये ये लाइन उठ के इसके ऊपर बैठ जाए ना ये वाली दूसरी लाइन भी जो है ना एक लाइन ये हो और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए तो ये लाइन्स क्या कहलाएंगी खदीजा को इंसिडेंट इफ टू लाइन एलवन एंड एल टू रिप्रेजेंट द सेम लाइन अगर ये प्रेजेंट करें एक ही लाइन को सेम लाइन को दे आर सेट टू बी कॉन्सिडेंट सिंबोलिकली इसको लिखेंगे किस तरह किस तरह लिखेंगे खदीजा एल वन इक्वल्स टू एल टू यानी कि पहली लाइन मैंने ड्रॉ की इसका नाम रख दिया एल वन सही है अब दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की यहां पर इसका नाम रख दिया एल क्या ये कॉन्सिडेंट है ये नहीं है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नहीं है अगर ये वाली लाइन उठाकर मैं इस वाली लाइन के ऊपर रख दूं तो अब ये लाइन हो गई कोइंसीडेंट तो इसको लिखेंगे कैसे ऐसे लिखेंगे एल वन इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे एल वन इक्वल्स टू एल टू बेटा एल वन इक्वल्स टू एल टू दिख रहा नहीं है स्क्रीन पर एल वन इक्वल टू एल टू L1 equal, equals to L1. L, L2, L2, L2. 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 सही आप पॉस्टुलेट वन देखें या जवाद गौर से देखें आपका बहुत अहम काम चल रहा है ये सारा समझना है आपको वन एंड ओनली वन लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंग पॉइंट्स टू पॉइंट्स डिटरमिन अ लाइन यानी कि इसका ये मतलब है और का मतलब या तो ये बोल लो या ये बोल लो गौर से सुने इधर बातें ना करें टू पॉइंट डिटर्मिन अ लाइन अब ये जैसे दो पॉइंट है इनके दरमियान लाइन बन सकती है मतलब लाइन को अगर बयान करना है तो कम से कम दो पॉइंट चाहिए ये बताना चाहिए। सही है? बट नॉट मोर देन वन लाइन कैन पास सही है अब इन दोनों पॉइंट अगर मैं शर्त लगा कि खदीजा इन दोनों में से गुजारना है लाइन को तो एक तो बना दी मैं बोलूं कि और कोई लाइन है जो इसमें से दोनों में से गुजर जाए ऐसा तो हो सकता है ये लाइन हो इस पॉइंट में से गुजर गई ये लाइन है इस पॉइंट में से गुजर गई बुलाओ उसको ये नहीं हो सकता कि दोनों से एक ही लाइन गुजर जाए क्या है समझ में आ रहा है सिर्फ एक ही लाइन होगी जो दोनों में से गुजरेगी समझ आ रहा है यार हो दोनों में से, गुजर जाए। हाँ, एक में से गुजर सकती है दूसरे में से अकेले गुजर सकती है दोनों में से एक साथ गुजरेगी तो उसको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा यह जवाब समझ में आया जवाब बीच में से अगर बीच में से गुजरेगी क्या नाम रखेंगे